हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। आज से हम एक नई वल्नरेबिलिटी स्टार्ट करेंगे जो कि है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो चलिए आज का हम एजेंडा देखते हैं। तो जो आज का एजेंडा रहेगा वो रहेगा हमारा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक देखेंगे, उसके बाद हम उसके टाइप्स देखेंगे, नेक्स्ट हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बाद हम मिटिगेट देखेंगे कि कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स आर एन इंजेक्शन टाइप इन विच मेलिशियस स्क्रिप्ट्स आर इंजेक्टेड इनटू ट्रस्टेड वेबसाइट। तो ठीक है, जो डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है, ये एक इंजेक्शन टाइप अटैक होता है जिसमें हम जो भी यूज़र है, अटैकर है, वो कोई मेलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करता है किसी भी वेबसाइट में। ठीक है, एक्सेसेस अटैक्स अकर्स व्हेन एन अटैकर यूजेस अ वेब एप्लीकेशन टू सेंड मेलिशियस कोड जनरली इन द फॉर्म ऑफ ब्राउजर साइड स्क्रिप्ट टू अ डिफरेंट एंड यूजर। ब्राउजर साइड स्क्रिप्ट से, ब्राउजर साइट से वो ब्राउजर में इंजेक्ट करता है स्क्रिप्ट टू अ डिफरेंट एंड यूजर के। ठीक है, फ्लॉज दैट अलाउ दीज अटैक्स अकर्स एनीवेयर अ वेब एप्लीकेशन यूजेस इनपुट फ्रॉम अ यूजर विद इन द आउटपुट इट जनरेट्स विदाउट वैलिडेटिंग और इनकोडिंग इट। तो ठीक है, ये फ्लॉज तब अराइज होता है जब किसी वेबसाइट में कोई इनपुट फील्ड होगा हमारा, जहाँ पर कोई भी यूजर इनपुट एंटर करेगा, ठीक है, और जो उसका आउटपुट होगा वो विदाउट वैलिडेटिंग और इनकोडिंग इट, विदाउट कोई वैलिडेशन या इनकोडिंग कुछ वहाँ पर मैकेनिज्म यूज नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ पर ये फ्लॉज अराइज होता है, वहाँ पर ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक पिक्चर में आती है। ठीक है, एंड अटैकर कैन यूज स्क्रिप्टिंग टू सेंड अ मेलिशियस स्क्रिप्ट टू एन अनसस्पेक्टिंग यूजर एंड ब्राउजर हैज नो वे टू नो दैट द स्क्रिप्ट शुड नॉट बी ट्रस्टेड एंड विल एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट। ठीक है, वो ब्राउजर एग्जीक्यूट कर देता है उसको बिकॉज इट थिंक्स द स्क्रिप्ट केम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, क्योंकि उसको लगता है जो स्क्रिप्ट वो इंसर्ट की गई है वो एक ट्रस्टेड सोर्स से आई है, एक ऑथराइज यूजर की साइट से आई है। द मेलिशियस स्क्रिप्ट कैन एक्सेस एनी कुकीज, सेशन टोकन्स और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिटेन्ड बाय द ब्राउजर एंड यूज्ड विद दैट स्टाइल। ठीक है, जो इसका इम्पैक्ट होगा वो क्या हो सकता है, वो एक्सेस, वो जो मेलिशियस स्क्रिप्ट होगी वो एक्सेस कर सकती है कुकीज को भी, सेशन टोकन्स को और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और उस स्क्रिप्ट के हेल्प से जो अटैकर है कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ें जो चीज़ हमने मेंशन की है ये तो हो ही सकती हैं, जैसे स्टील करना कुकीज़ को, सेशन टोकन्स को और कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। दीज स्टेप्स कैन इवन रीराइट द कंटेंट ऑफ द वेब HTML पेज, रीराइट भी कंटेंट, ये स्क्रिप्ट जो है इवन रीराइट कर सकती है कंटेंट को HTML पेज के। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक इन विच एन अटैकर इंजेक्ट मेलिशियस कोड into a website or web application, typically in the form of a script written in JavaScript that is executed in the victim's web browser. ठीक है, the goal of an XSS attack is to steal sensitive information or hijack user session. ठीक है, तो अब हम इसको एक बार देखते हैं। ये जो सबसे पहले मैं एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब भी हम किसी पर मैं साइज, ठीक है, जब भी हम कोई इंजेक्शन अटैक की बात करते हैं ना, चाहे वो हो OS कमांड इंजेक्शन या वो हो HTML इंजेक्शन या वो हो XSS या वो हो SQL इंजेक्शन, ठीक है, तो जो इसकी फंक्शनैलिटी होती है वो सेम होती है। OS कमांड इंजेक्शन में हम OS की कमांड्स को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, HTML में हम HTML कोड्स का यूज करते हैं, XSS में हम JavaScript का यूज करते हैं और SQL क्वेरीज में हम
एसक्यूएल इंजेक्शन में हम एसक्यूएल क्वेरीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सेम होती हैं चीजें, बस इसमें जो इनपुट्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, पर वो जो इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो इनपुट फील्ड्स होते हैं, ठीक है। जब भी कोई एक्सेसेस कोई करना चाहेगा तो सबसे पहले वो ऐसी वेबसाइट्स सर्च करेगा जहाँ पे हमारे पास इनपुट फील्ड्स हों, जैसे कॉन्टेक्ट अस में होता है, या सर्च बार हुआ, फोरम्स हुए, साइनअप्स हुए, कमेंट बॉक्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ पहले वो देखेगा, उसके बाद वो इनमें फाइंड आउट करेगा इनपुट फील्ड्स, ठीक है। फिर उसको अगर इनपुट फील्ड मिला, जैसे कि कोई मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे एक मेरी वेबसाइट है, ये वेब पेज है, यहाँ पर इनपुट फील्ड हो गया मेरा यूजर नेम पासवर्ड का, जहाँ पर यूजर का कंट्रोल होगा इनपुट पे, ठीक है। जब भी कोई यूजर यहाँ पे अपने इनपुट एंटर कर रहा होगा तो वो यहाँ पर इनपुट डालेगा अपने, अगर वो इनपुट डाल के उसका उस वेब पेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। फिर वो जैसे एक बार अपने क्रेडेंशियल्स या कुछ भी डाल के देखेगा तो वो चीज़ अगर उसको उस वेब पेज में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो फिर वो ट्राई करेगा वहाँ पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए, ठीक है। फिर वो यहाँ पर मेलिशियस अपनी स्क्रिप्ट डालेगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, मेलिशियस जावास्क्रिप्ट, जैसे कि आपका हो गया स्क्रिप्ट, सिंटैक्स होता है, अलर्ट लिख देगा वो, वन कराता है तो स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ये होता है फॉर्मेट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, अभी इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, अब हम क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो जैसे ये कोई भी एक वेब पेज है, अगर यहाँ पे हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं तो हम यहाँ पे इस इनपुट फील्ड्स को चेक करेंगे कि ये जो इनपुट पैरामीटर्स हैं ये वल्नरेबल हैं या नहीं है। उनके लिए चेक करने के लिए हम जो भी इनपुट देंगे, अगर वो इनपुट हमारे पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सेसेस वल्नरेबल है। उसके बाद जो भी यूजर होगा वो यहाँ पर इनपुट अपना मेलिशियस कोड इंसर्ट करेगा और वो मेलिशियस कोड उसको डिस्प्ले होगा पेज पे, और इस वाले को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, ये आगे जाके हम अभी देखेंगे। तो बेसिकली और इसमें जो हमारे कोड्स यूज होते हैं वो हो गया स्क्रिप्ट टैग यूज होता है, अलर्ट, अगर हमें कोई चीज पॉपअप करवानी है तो ये होता है इसका अलर्ट, ठीक है। अगर हम इसमें कोई भी देखना चाहते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, सेकंड में आ जाते हैं हम, टाइप्स ऑफ एक्सेसर अटैक, ठीक है। अब टाइप्स देखते हैं इसका क्या होता है। एक्सेसर अटैक कैन जनरली बी कैटेगराइज इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन टाइप के होते हैं ये, स्टोर्ड, रिफ्लेक्टेड एंड डोम बेस्ड एक्सेसेस, ठीक है। अब स्टोर्ड और परसिस्टेंट एक्सेसेस अटैक, पहला वाला हम ये देखते हैं। स्टोर्ड अटैक्स आर दोज वेयर द इंजेक्टेड स्क्रिप्ट इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द टारगेट सर्वर, सच एज इन अ डाटाबेस, इन अ मैसेज फोरम, विजिटर लॉग, कमेंट फील्ड इत्यादि। द विक्टिम देन रिट्रीव्स द मैलिशियस स्क्रिप्ट फ्रॉम द सर्वर व्हेन इट रिक्वेस्ट द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। स्टोर्ड एक्सेसेस इज ऑल्सो समटाइम रिफर्ड एज अ परसिस्टेंट और टाइप वन एक्सेसेस, ठीक है। अब स्टोर्ड एक्सेस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, स्टोर्ड एक्सेस में क्या होता है कि जो भी हम अटैकर कोई मेलिशियस स्क्रिप्ट इंसर्ट करता है
तो वो परमानेंटली स्टोर्ड हो जाती है डाटाबेस में, स्टोर्ड इन डीबी। साथ साथ में आपको मैं बताऊं तो रिफ्लेक्टेड में ये नहीं होती है, ये डिफरेंस है, नॉट स्टोर्ड इन डीबी। ठीक है, ये तो इसमें जो मेन डिफरेंस होते हैं ये होते हैं। और जो हमने इससे पहले HTML में भी देखा था, कमांड इंजेक्शन में भी देखा था, रिफ्लेक्टेड में जो होती है वो वेब पेज में रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट इन वेब पेज, इन वेब पेज, नॉट रिफ्लेक्टेड, नॉट रिफ्लेक्ट इन इन वेब पेज। इसमें वेब पेज में कोई आउटपुट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जबकि रिफ्लेक्ट एक्सेसेस में हो जाता है। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंस है। अब हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस को। ठीक है, सपोज करिए एक वेबसाइट है जो कि यूजर यूज करते हैं अपनी कोई भी पुरानी बाइक को सेल आउट करने के लिए, और उस वेबसाइट से लोग बाय भी करते हैं अपनी सेकेंड हैंड बाइक्स। ठीक है, तो वो जो वेबसाइट है वो है www.example.com, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ठीक है, तो एक यूजर वन आया, ठीक है, उसने एक्सेस की ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सेस की ये एक एप्लीकेशन का पेज है। तो यहाँ पे पुरानी एंट्रीज हुई हैं, यहाँ पर एक है ऐड न्यू ऑप्शन, न्यू ब्लॉग कह लीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, एडवर्टाइजमेंट को ऐड करने का। तो वो आया, उसने एक एडवर्टाइज इसमें क्लिक करके, यहाँ क्लिक किया इसने, एक नया पेज ओपन हुआ जहाँ पे उसने पहले डिस्क्रिप्शन डाला अपनी बाइक का। ठीक है, फिर उसने मैसेज लिखा, फिर उसने सबमिट कर दिया। ठीक है, इसने अपने बाइक का कोई भी नाम दे दिया, हीरो स्प्लेंडर समथिंग, मैसेज में लिख दिया नीड टू सोल्ड आउट, सोल्ड आउट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और लास्ट में उसने प्राइस वाइज सब मेंशन कर दिया। ठीक है, मैसेज मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे इसने सबमिट दबा के यहाँ पर इसकी एंट्री ऐड हो गई। एंट्री ऐड होने के बाद जैसी एंट्री ऐड हुई, इसके पास एक मैसेज चले गया, ठीक है, मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली पोस्टेड करके एक इसके पास रिस्पॉन्स चले गया। ठीक होगा, अब क्या होता है, इस वाले को हटाता हूँ मैं। ठीक है, अब एक यूजर टू आता है, सेलेक्ट कर लेता हूं, पर यूजर टू आता है। ठीक है, इसको बाइक लेनी है, ठीक है, बाय करनी है, पर ये अभी खाली देखने आया है वेबसाइट में कि कौन कौन सी बाइक्स इसमें अवेलेबल हैं अभी। तो वो आता है, वो भी इसी वेबसाइट को एक्सेस करता है, तो उसके सामने पेज ओपन हो जाता है जिसमें सारी होती है, और यूजर वन की भी एंट्री जो हुई थी वो इसमें ऐड हो जाती है नीचे से। ठीक है, तो ये आके इसको देखता है, ठीक है, इसने ये ऑप्शंस थे सब इसने देखा, और देखकर इसने बाहर लॉग आउट होके बाहर आ गया। ठीक है, यूजर वन ने अपनी जो पोस्ट था वो अपडेट किया था, अब
अपलोड इसमें कर दिया था, यूजर टू ने आया, उसने सब कुछ चेक किया, सारे अपलोडेड वीडियो जो भी पोस्ट थी वो देखी, टेक के वो चले गया। ठीक है, अब जो आता है, अब आता है अटैकर। ठीक है, अब आएगा अटैकर। अटैकर क्या करता है, अटैकर आया, ठीक है, उसने इसको इस वेबसाइट को करा, लॉगिन करा और देखा सब कुछ। ठीक है, इसने वेबसाइट की फंक्शनैलिटी देखी कि क्या इसमें वेबसाइट में हो रहा है। ठीक है, इसको पता चला कि यहाँ पर एक ऑप्शन है नई जो पोस्ट ऐड करने का, यहाँ पर पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज खुलेगा, उसमें हम अपनी पोस्ट डालेंगे। उसने कहा ठीक है, और यह रीड मोर करके दिया है, अगर मैं यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो वाले पोस्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया अटैकर ने, इसने इसको जब ये रीड कर रहा था तो इसको बीच में पैराग्राफ के बीच में सम बोल्ड कैरेक्टर्स दिखे, तो उसको लगा कि ये यहाँ पे HTML टैग्स का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब इसने नया एक पोस्ट ओपन किया, उस पर हम उसने डिस्क्रिप्शन डाला, डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा डाला कि जो लोग अट्रैक्ट हों उसकी ओर, जैसे कोई भी चीप पाइप अवेलेबल समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ठीक है, इसने फिर मैसेज में मेलिशियस कोड अपना इंसर्ट कर दिया, मेलिशियस कोड जैसे कि स्क्रिप्ट ये डाली। ठीक है, ठीक है, स्क्रिप्ट एक मैलिशियस कोड जो है इसमें इंसर्ट कर दिया। इस वाले पोस्ट पे क्लिक करेगा, रीड मोर ऑप्शन ठीक है, तो ऐसा करके कोई भी नॉर्मल यूजर आता है तो जो डिस्क्रिप्शन तो डाला था, अट्रैक्टिव डाला था, बाइक इज
session tokens, other sensitive डेंजरस वल्नरेबिलिटी होती है, क्योंकि इससे मिलियंस लोग जो उसमें इंपैक्ट होते हैं, इसलिए डेंजरस होती है। और इंपॉर्टेंटली जो मेलिशियस कोड है इसका डाटा डीबी में सेव करेगा मेल स्टोर्ड एट इसमें जो ये एक एग्जांपल था स्टोर्ड एक्सेसेस का। ले जाते हैं अपने स्लाइड में। सेकंड जो होता है वो रिफ्लेक्टेड और नॉन परसिस्टेंट एन एरर मैसेज रिजल्ट और एनी अदर रिस्पॉन्स दैट पार्ट ऑफ द एक्स आर डिलीवर्ड टू विक्टिम्स वाया अनदर रूट सच एज इन एन इनटू क्लिक crafted form or even just browsing a malicious site. The refer to as non-persistent or type 2 XSS. वेब पेज रिफ्लो का एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इसका। तो इसमें जो ये है सर्च बटन है तो देखो हेलो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। कर दूंगा जावास्क्रिप्ट की जैसे कि एक बार यहाँ पर स्क्रिप्ट बना लेते हैं अपनी स्क्रिप्ट अलर्ट वन स्क्रिप्ट टैग बंद कर देते हैं। अब देखते हैं इससे क्या हुआ। कॉपी कर लेता हूं इसको मैं या इंसर्ट कर लेते हैं इसे। वो ये देखिए आउटपुट हमें जो है वो हमारे वेब पेज पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं ओके कर दूंगा इसको, अब मैं फिर रिलोड करूंगा तो ये फिर से शो हो जाएगा मुझे। पर अगर इसी के साथ कोई दूसरा यूजर अभी लॉग इन करता है ना, कोई न्यू यूजर, उसको ये शो नहीं होगा। जैसे कि टेस्ट पीएचपी डॉट वल्नरेबल अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ टेस्ट पीएचपी डॉट व
oneweb.com। जैसे कि मैं नया यूजर आ गया हूँ, अगर मैं कुछ भी इसमें डालूंगा तो मेरे को वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। पर ये जब तक इसका सेशन होगा इस यूजर का, तब तक इसको ये आउटपुट में जैसे ही ये लोड करेगा पेज को, इसको ये जो पॉपअप आ रहा है ये आएगा। ये चीज होती है स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड में। स्टोर्ड परमानेंटली स्टोर्ड होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाती है उसमें जो मेलिशियस स्क्रिप्ट होती है, पर रिफ्लेक्टेड में परमानेंटली नहीं होती है। ये कोई एक स्पेसिफिक और टारगेटेड यूजर्स को सेंड की जाती है, मतलब इसमें एक टारगेट यूजर सेट किया जाता है। जैसे कि मैंने किसी को यूजर टू को उसको एक्सरसाइज उसमें करना है, परफॉर्म करना है, तो मैं क्राफ्ट करूंगा एक पेलोड को, और उस पेलोड को किसी भी डिलीवरी के थ्रू, जैसे मेल, जैसे मैंने अभी बताया था आपको स्लाइड में, ईमेल के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू उसको सेंड करूंगा, और वो उस पर क्लिक करेगा तो तब जाके वो कॉम्प्रोमाइज हो पाएगा। पर जो स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड में हम जो वेबसाइट होगी उसी पे हम अपना मेलिशियस कोड इंसर्ट कर देते हैं, उसमें ऐसे भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हम भेज देते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं, नॉन परसिस्टेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। थर्ड होती है डोम बेस्ड एक्सेस अटैक। डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज अ टाइप ऑफ वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट अकर्स व्हेन अ वेब एप्लीकेशन डायनेमिकली क्रिएट्स HTML कंटेंट बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट एंड इंजेक्ट इट इनटू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल विदाउट प्रॉपरली सैनिटाइजिंग और इनकोडिंग द इनपुट डाटा, ठीक है। अब ये डोम बेस्ड एक्सेस भी क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है, वेब पेज है, जो कि आपका कोई भी अगर इनपुट उसमें आ रहा है, मैं भी बताता हूँ, ठीक है, कोई भी वेब पेज है, जैसे उसमें पैराग्राफ टैग है, उस पैराग्राफ टैग के बीच में पैराग्राफ लिखा हुआ है जो आप वेब पेज में देखते भी होंगे, और उसमें अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, जब भी कोई यूजर कुछ इनपुट करेगा तो वो इनपुट होगा वो पैराग्राफ के बीच में कहीं कॉल हो रहा होगा, ठीक है। ये नॉर्मल एक फंक्शन है वेबसाइट का, नॉर्मल फंक्शन है वेबसाइट का, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक अटैकर आता है, ठीक है, तो अटैकर ने फंक्शनलिटी देखी, उसने क्या किया, ये पी टैग था, उसने अपने मेलिशियस कोड में इंसर्ट किया और यहाँ पे पी टैग क्लोज कर दिया, और यहां से अपना स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अलर्ट जीरो और डिस्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड और कमेंट कर दिया रेस्ट ऑफ द क्वेरी को। तो इसने जो है एक वेब पेज की जो फंक्शनैलिटी है, जो उसका कंटेंट है, उस पर डॉक्यूमेंट है, उस पर चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब जो क्या होगा, अब जब ये रन होगा तो जो उसके कंटेंट है उसमें वो कॉम्प्रोमाइज होगा, उसमें जो चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे। डोम बेस में ये होता है, डोम बेस का जो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है परफॉर्म डोम बेस का। इन दिस टाइप ऑफ अटैक द मेलिशियस स्क्रिप्ट इज नॉट स्टोर्ड ऑन द सर्वर साइड, इसमें स्टोर नहीं रहती है सर्वर साइड पे, बट इट इज एग्जीक्यूटेड इन द विक्टिम्स ब्राउजर पे, उसमें एग्जीक्यूट होती है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय ट्रेडिशनल सर्वर साइड सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। डोम बेस्ड एक्सेस इज अ क्लाइंट साइड अटैक है, क्लाइंट क्योंकि ये क्लाइंट के ब्राउजर्स पे होती है। द स्क्रिप्ट इज नॉट सेंड टू अ वेब सर्वर, स्क्रिप्ट वेब सर्वर पे नहीं जाती है इसमें, जैसे कि स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड में जाती थी, ठीक है। लेजिटिमेट स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, जो पहली जो स्क्रिप्ट होगी लेजिटिमेट, जैसे मैंने स्लैश पैराग्राफ का था, पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो आपकी मेलिशियस स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होगी। द अटैक वर्क्स बाय एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन द क्लाइंट साइड कोड ऑफ अ वेब पेज,
एंड अटैकर कैन इंजेक्ट मेलिशियस कोड इनटू द पेज, पेज में इंजेक्ट करता है बाय मैनिपुलेटिंग द यूआरएल, मॉडिफाइंग फॉर्म डाटा एंड बाय अदर मींस, एंड दिस कोड कैन एग्जीक्यूट इन द विक्टिम्स ब्राउजर विदाउट देयर नॉलेज और कंटेंट। ठीक है, वो जो मैंने बताया था जो मैनिपुलेट करता है कोड, जो मेलिशियस कोड को इंसर्ट करता है पेज पर, जो डॉक्यूमेंट जो पेज के पैरामीटर्स होते हैं, इसलिए इनको डॉम बेस्ड कहा जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब जो इम्पैक्ट है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसर अटैक। एक्सेसर अटैक कैन हैव सेवरल सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करता है अटैकर, कैन यूज एक्सेसर अटैक्स टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल्स, सेशन टोकन्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड पर्सनल डाटा। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग थेफ्ट्स, फाइनेंशियल फ्रॉड और अदर मैलिशियस एक्टिविटी। ठीक है, स्टील करने का काम होता है, हाईजैक करने, हाईजैकिंग यूजर सेशंस, सेशन टोकन्स को ये हाईजैक करता है और उसके हेल्प से ये जो सेशंस होते हैं यूजर्स को, उनको हाईजैक करता है। अटैकर कैन यूज स्टोलन सेशन टोकन्स टू हाईजैक यूजर सेशंस एंड इम्पर्सनेट लेजिटिमेट यूजर्स, अलाउइंग देम टू परफॉर्म एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम। ठीक है, वो फिर एज अ लेजिटिमेट यूजर शो होता है और अलाउ देम टू परफॉर्म एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम के बिहाफ पे वो जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करता है। डिफेसिंग वेबसाइट, डिफेसिंग वेबसाइट मीन मतलब कोई भी नॉर्मल वेबसाइट में जब भी अटैकर कुछ चेंजेस कर देता है, मतलब उसके कंटेंट में जो चेंजेस कर देता है उसको कहते हैं डिफेसमेंट। इन सम केसेस अटैकर मे यूज एक्सेसर अटैक टू डिफेस वेबसाइट बाय इंजेक्टिंग मैलिशियस कोड दैट चेंजेस द अपीयरेंस और द कंटेंट ऑफ द साइट। ठीक है, स्प्रेडिंग मालवेयर के लिए भी ये कर सकता है स्प्रेड मालवेयर को। अटैकर मे यूज एक्सेसर अटैक टू इंजेक्ट मैलिशियस कोड दैट डाउनलोड्स एंड इंस्टॉल मालवेयर ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, अलाउइंग द अटैकर टू क्रिएट कंट्रोल ऑफ द डिवाइस। ठीक है, ये किसी भी मैलिशियस, ये कोई मैलिशियस कोड ऐसा इंजेक्ट कर सकता है जिससे कोई भी मालवेयर किसी भी विक्टिम्स के सिस्टम पे या मोबाइल पे डाउनलोड हो जाए और उसका जो कंट्रोल है वो अटैकर के पास आ जाए, लाइक सीएनसी जो होता है, कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है, डैमेजिंग रेपुटेशन, डैमेज करता है ये रेपुटेशन। एन एक्सेसर अटैक कैन डैमेज रेपुटेशन ऑफ अ वेबसाइट और ऑर्गेनाइजेशन की, डैमेज करता है रेपुटेशन, पर्टिकुलरली इफ द अटैक लीड्स टू द एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और अ सिग्निफिकेंट डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, उसकी सेंसिटिव, उस ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करके या कोई भी सर्विस को डिस्टर्ब करके वो रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है। ओवरऑल एक्सेसर अटैक्स कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट सच अटैक्स फ्रॉम अकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सेसर अटैक। अब प्रिवेंट कैसे करें, ये जो इंजेक्शन अटैक्स होता है इनके प्रिवेंशन 90% सेम होते हैं सबके, जो मैंने लास्ट उसमें भी बताया था, यूजर इनपुट एस्केपिंग होना चाहिए, देयर आर स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक ग्रेटर देन सिंबल, स्मॉलर देन सिंबल विच जनरली यूज इन टैग्स और मेलिशियस स्क्रिप्ट और मे बी द परसेंटेज सिंबल, सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज एस्केप दिस कैरेक्टर विच मीन्स दैट वी टेक ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस कैरेक्टर एंड मेक इट जस्ट अनदर टेक्स्ट कैरेक्टर फंक्शन और डॉम ऑब्जेक्ट दैट अलाउ जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूटिंग और रेंडरिंग ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, जो ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हमारे जो टैग्स होते हैं ना उसमें यूज होते हैं, तो इनको एस्केप प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो यूजर इनपुट कर रहा है उसको एस्केप करो। अगर यूजर कोई ऐसे टैग्स यूज कर रहा है अपने इनपुट में तो हमें उसको एस्केप करना चाहिए। कंसिडर्ड ऑल इनपुट्स एट थ्रेट, जब भी कोई डेवलपर क्रिएट करता है तो उसको क्या कंसिडर करना चाहिए, जो भी यूजर इनपुट कर रहा है वो एज ए थ्रेट है। ठीक है, जैसे कहते हैं सब की निगाहों से उसको, जो यूजर आया है उसको थ्रेट समझे वो एक, बिकॉज द यूजर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर व्हाट इनपुट ही गिव्स, वी हैव टू एज्यूम दैट एवरी इनपुट इज अ थ्रेट
एंड सैनिटाइज एंड हैंडल एवरी इनपुट विथ केयर। ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए और प्रॉपरली उसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोल होता है वो यूजर के पास है इनपुट करने का, वो कुछ भी इनपुट कर सकता है, पर उस चीज को आपको रोकना है। डाटा का वैलिडेशन प्रॉपर होना चाहिए। सपोज वी हैव अ फील्ड ऑफ लॉग इन वेयर वी कैन एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, सपोज करो हमारे पास लॉग इन एक पेज है जिसमें एक यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन है। व्हाट वी कैन डू इज यूज डाटा वैलिडेशन वेल स्पेशली इन द केस ऑफ ईमेल आईडी बिकॉज वी नो द जेनरिक फॉर्मेट फॉर एन ईमेल आईडी देयर शुड बी अ यूजर नेम देयर शुड बी अ एट द रेट सिंबल देन समथिंग अ डॉट कॉम और डॉट समथिंग सो वी कैन यूज डाटा वैलिडेशन टू अवॉइड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, जैसे कि हमारा जो यूजर नेम का फील्ड है उसमें ईमेल आईडी अगर आएगी तो ईमेल आईडी का एक फिक्स्ड एक सिंटैक्स होता है, एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, सबसे पहले यूजर नेम आता है, फिर एट द रेट आता है, फिर उसके बाद एक डॉट कॉम आता है, तो मतलब एक फिक्स्ड एक फॉर्मेट है। तो अगर वो यूजर नेम में वही उसी फॉर्मेट में इनपुट डाटा अलाउड होना चाहिए, उसे कहते हैं डाटा सैनिटाइजेशन, सैनिटाइज होके डाटा आना चाहिए। ठीक है, यूज द राइट रिस्पॉन्स हेडर। वी कैन डिसाइड व्हाट द रिस्पॉन्स हेडर शुड बी एंड वी कैन डिसाइड व्हाट डाटा कैन बी सेंट और व्हाट डाटा कैन बी रिसीव थ्रू द रिस्पॉन्स हेडर। ठीक है, जो हेडर्स होते हैं वो रिस्पॉन्स हेडर एचटीटीपी के, वो हम डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या भेजना है, क्या एक्सपोज करनी है उसमें एचटीटीपी में, जो हमारा रिस्पॉन्स में जाना है उसमें क्या डाटा जाना है वो हमें डिसाइड करना चाहिए, और अननेसेसरी हमें रिवील नहीं करनी चाहिए इंफॉर्मेशन उस रिस्पॉन्स में। ठीक है, नेक्स्ट है इनकोड आउटपुट। सो व्हाट हैपन व्हेन आई गेव द स्क्रिप्ट टैग एंड अलर्ट एज द इनपुट एज द मेलिशियस स्क्रिप्ट द एरो सिंबल वॉज बींग ट्रीटेड एज द एरो सिंबल सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यू आर एल इनकोड दैम सो द एरो सिंबल विल बी समथिंग लाइक परसेंटेज is 25 so when we encode it's no longer a malicious script so we can use url encoding। ठीक है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज में भी करता हूँ जब लैब्स में जब मैं कोई भी इनपुट में जब मैनिपुलेट करता हूँ कोई भी रिक्वेस्ट को तो मैं लास्ट में बॉब शूट में जो url में मैनिपुलेशन करता हूँ और मैनिपुलेट करने के बाद मैं सेंड करता हूँ तो उससे पहले मैं उसको कंट्रोल यू से इनकोड कर देता हूँ। तो यहीं पर वो चीज़ कह रहा है कि इनकोडिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो रिप्लेस कर देता है इनकोडिंग करने में, जैसे स्पेस परसेंटेज समथिंग से रिप्लेस हो जाता है तो ऐसी स्पेशल करेक्टर जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा यूज कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। ये पॉलिसी होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सी एस पी स्टैंडर्ड सो वी कैन यूज दिस टू अवॉइड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इसी के साथ मेरी ये स्लाइड्स कंप्लीट होती है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, फिर एग्जांपल्स के थ्रू हमने टाइप्स को देखा, इसके तीन टाइप्स के होते हैं रिफ्लेक्टेड स्टोर्ड और डोम। उसके बाद हमने इंपैक्ट डिस्कस किए, तो लास्ट में हमने मिटिगेशन देखा कि हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं अगेंस्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी लैब को परफॉर्म करेंगे। तो आज की मैं वीडियो यहीं पर ही एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।